সোনা রে সোনা রে সোনা 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 এসা প্রেম কহাঁ এসা প্রেম কহাঁ সোনা রে সোনা রে সোনা রে সোনা সোনা রে সোনা कोई गुड न्यूज? कुछ भी नहीं बाबा, जहां भी जाती सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती। बाबा का कुछ पता नहीं चला, सब लोग डूब गए। सर बुरा मत मानिएगा, पहले आपको जैसे ही मौका मिलता था आप जोगिन के घर पे चला जाते। आजकल क्या हो गया सर, कहीं किसी और पे दिल तो नहीं आ गया? हाँ हाँ छोड़ी बाबा, अरे लाइट आ गई। अरे सर आप कहाँ चले गए थे? अब तुम ना मेरे जले पे नमक मत छिड़को, समझे? मैं समझा नहीं सर, क्या बात हो गई? मैंने सोचा था कि घर में ही अकेली होगी, मैं जाके उसके अकेलेपन को दूर करूंगा और उसके दिल की बात बताऊंगा। लेकिन जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो उसके घर पे अंधेरा छाया हुआ था। तो खुश हो गया, लेकिन हेम भारा है, उसने मेरे हाथ में एक टेस्टर पकड़ा दिया, क्योंकि उसके घर का फ्यूज उड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से फ्यूज ठीक किया मैंने उसका। जब लाइट आया तो हेम का बाप आनंदो वहां आ गया। टाइम एंट्री मारता है कबाब में हड्डी सा। फिर क्या हुआ सर? अरे फिर क्या, मेरे दिल का फ्यूज उड़ गया। उस बुढ़े में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गलत टाइम पे एंट्री मारनी थी उसको। जी तो चाहता है कि उसे। सर प्लीज आप उनके बारे में ऐसा मत, वो आपके सर हैं और हेम के पिताजी भी तो हैं। एक बात कहूं बात, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी ना इस बुढ़े को मैं सूखे कुएं में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। चाय पिएंगे? क्या हुआ, आप रो रहे हैं?
मुझे मालूम है, मैं आपके आंसू नहीं पहुंच सकती। ऐसा क्यों कहती हो सुशीला? मैं आपके साथ नहीं होती तो ये दुख भी नहीं होता। सुशीला वो बात नहीं है, तूफान तो थम गया, बादल तो थम गए, लेकिन आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी सोचा था नसीब ने सब तोड़ दिया। आप जो भी रास्ता बनाएंगे मैं उस रास्ते पे आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। सुशीला मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठूं। जैसी भी जिंदगी है हमें निभाना है। लीजिए चाय लीजिए। होते ही कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे मायके छोड़ दीजिएगा? ओ, तो तुमने हमारी और काकी माँ की सारी बातें सुन ली। मैंने सोचा कि इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी। हमारा है ही कौन? है ना तुम्हारी माँ। मेरी माँ? मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई। तो फिर वो कौन? मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई। तो फिर वो कौन? वो तो मेरी मामी है। एक बात पूछूं? जी। आप मुझे सुशीला क्यों बुलाते हैं? तो फिर क्या कह के बुलाऊं? कमला। अच्छा वो दो नाम है तुम्हारे? दो नहीं एक ही। सुशीला तो नाम मेरा था ही नहीं, बचपन में माँ ने ही हमारा नाम रखा था। मैं दिवाली के रोज पैदा हुई थी तो माँ को लगा कि लक्ष्मी आई है, तो माँ ने लक्ष्मी माता के नाम से मेरा नाम रख दिया। पर मैं अभागर, लक्ष्मी तो ना ला सकी पर साढ़े साथी अपने साथ जरूर ले आई। फिर माँ नहीं रही, मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पुतुल कहने लगे और स्कूल में कमला ही नाम लिखवाया था मामा ने मेरा। बोमा, आई काकी माँ। बोमा, मैं आती हूँ। अरे एखने शो। से मेरी शादी हुई। बॉडी, आज का पेपर पढ़ा? कोलकाता में पेंटिंग की बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली है। मैं तो कहता हूँ ये रोमेश के ख्यालों से निकलो और रंगों में डूब जाओ, और मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारी पेंटिंग जरूर रंग लाएगी। सुन रही हो बॉडी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब ये खो जाती है मेरे मजे हो जाते। पड़ोस के आम के पेड़ से चुराए हुए आम और किसी की प्लेट से चुराई हुई बिष्टी, खाने का मजा ही कुछ और है। मजा आ गया। It's a toy, man!
नाम का था। खुश रहो, खुश रहो। बात बात। एक साल बाद अपने बच्चों को देख रहा हूँ। काका, हम तो आपको बहुत याद करते, आप खुद ही नहीं आते। गांव की जमीन जायदाद की जिम्मेदारी जो दादा ने दे रखी, वरना अपने घर से इतना दूर नहीं रह सकता। वैसे हेम, तुमसे मुझे एक शिकायत है। क्या काका? हेम, इस बार तुमने अपने जन्मदिन पर आमी को याद नहीं किया, एकटा चोल भी ना। हाँ काका, आपने भी तो अपनी शादी पर हमें याद नहीं किया। जोगिन, शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत देखी है। अरे और तो और, बारातों में डांस भी बहुत किया है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मगर काका, अब तो बता दीजिए कि आप शादी क्यों नहीं करते। शादी क्यों करूं? परिवार बढ़ाने के लिए। अरे तो वैसे ही बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मेरे दादा, मेरी बोधी के इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ, इतना बड़ा घर है। अरे भाई, चैन सुकून से रहने दो मुझे। मुझे तो बस चिंता है तेरी, किसी तरह से बस तेरा घर बस जाए। और हाँ, अरे यही तो मुश्किल है काका। की बोलचे, कैसा मुश्किल? लड़का तो तुमने पसंद किया था ना। हाँ, क्या नाम है उसका? रोमेश। रोमेश का है वो, मिलाओ मुझे उससे। हम उससे मिलकर पूरी शादी की तैयारी करेगा। कई दिन हो गए काका, रमेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। सोच रही थी कि उसे तलाश करने के लिए उसके गांव चली जाती हूँ। ए, तुम की बोलचे, तुम अकेले ना जाओ। हम भी चलेगा तुम्हारे साथ। रास्ते में तुम्हें झाल मुड़ी खिलाएगा, गर्मा गर्म जलेबी खिलाएगा, बड़ा मजा आएगा। बोलो कब चल रहा है रोमेश के गांव? अरे दादा कुताई चाहिए अपने कमरे में। ठीक है, तुम लोग तैयारी करो चलने की, हम दादा से मिल के आता है। जल्दी जल्दी तैयारी करना। हाँ हाँ, रोमेश के गांव चलेगा। दादा दादा दादा, प्रणाम प्रणाम दादा, प्रणाम दादा। वाह दादा, दा भालो भालो, अति सुंदर दादा। हम तो पहचान नहीं पाया कि अपने घर आ गया है ये तो। हम चफे चफे छोड़ के गया था, ग्रीन लाइट हो गया, एकदम हरा हरा रंग रोगन बहुत अच्छा है दादा। हाँ बहुत भालो है दादा। हाँ आप तो हमको भूल जाते हो, लेकिन हम नहीं भूल सकता दादा, कैसे नहीं आएगा। हेम की शादी में तो पहले पहुंचेगा, इसलिए हम आ गया। अरे अनिरुद्ध, तुम कैसे नहीं आते? मैं तुम्हारे ऊपर इंडियन पिनल कोड की सारी धाराएं लगाकर तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके लेकर आता, तुम्हारा बड़ा दादा। उड़ी बाबा, दादा सच बोला सच बोला। दादा अब आप चिंता मत करो, अब आपका ये छोटा दादा आ गया ना, सब अपने कंधों पे ले लेगा, सारा काम कर देगा, सब सजावट करेगा सारी। और दादा वो रमेश को, रमेश के गाँव से हेम और जोगिन को लेके हम जाएगा और एकदम तलाश करके उसको हम लेके चला आएगा। आप चिंता मत करना, एटा चोल में, बिल्कुल चोल में दादा, चोल में। लेकिन सुशीला। मैं सुशीला नहीं, कमला हूँ। तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। हम सब लकीरों के साथ पैदा होते हैं। जब दो हाथ की लकीरें एक दूसरे से मिलती हैं, तब एक नई तकदीर बन जाती है।
फिर उससे अलग होने का जी नहीं करता। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। और मैं ये भी जानती हूँ कि चाहे जितने भी तूफान आ जाए, तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगी। लेकिन ये विश्वास कभी डगमगाया तो हम डूब जाएंगे रमेश। नहीं, ऐसा मत कहो। यही विश्वास की चट्टान मेरी भी जिंदगी है। अब सोच क्या रहे थे? दरअसल बात यह है कि आपने अपने बारे में कुछ और बताया ही नहीं, और अपनी उलझन में मैं आपसे कुछ पूछ भी ना सकता। आप ऐसा कीजिए, इस पेपर पर अपने बारे में सब कुछ लिख दीजिए। नाम कमला, गांव का नाम श्रीपुर, मामा का नाम चरण चट्टोपाध्याय, पति का नाम महेश चक्रवर्ती। ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये जरूर दूसरी बारात की दुल्हन है, और गलती से मैं इसे अपनी पत्नी समझकर, हो सकता है इसका पति तूफान में लापता हो गया होगा। है मां, ये क्या हो गया? अब फिर से कुछ सोचने लग गए? क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है इसमें? नहीं, ये तो किस्मत का लिखा है। मैं समझी नहीं। वो छोड़ो, ये बताओ कि शादी से पहले तुम्हें मेरा नाम पता था? नहीं, शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि जानने और समझने के लिए समय ही नहीं मिला। हाँ, इतना सुना था कि आप डॉक्टर हैं, पर शायद मैं ठीक तरह से सुन नहीं सकी। पर अब पता चला आप डॉक्टर नहीं, मुख्तार है, माने वकील बाबू है। रमेश, कुछ पता चला उन लोगों का? किछु जाना गया लो, ओरा कोथा है? नहीं काकी मां, मैंने हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन सब जगह चला, ना बाबा को कुछ पता चला ना किसी और का। ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? देखते ही देखते सब खत्म हो गया, सब शेष हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को, कार नजर लगी कैसे और घर संचार के। मैं खुद बहुत परेशान हूँ काकी माँ, वहां काम का नुकसान अलग हो रहा है। सोच रहा हूँ कि सुशीला को उसके गांव छोड़कर कोलकाता चला जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं जाऊं भी क्यों? लेकिन सुशीला। मैं सुशीला नहीं, कमला हूं। तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा सारा घर उस बाढ़ में खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहा। और अगर रहता भी तो भी मैं अपने घर नहीं जाती। औरत का असली घर उसके पति का घर होता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक ही तो बोल रही है बोमा, शोती तो बोल छे, कहां जाएगी वो, कुदा ही जावे बेचारी, बोल ना कुदा ही जावे। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, जाओ जाकर अपना सामान बांध लो। ठीक है। तुम दोनों के जाने के बाद मैं यहां अकेली रह के क्या करूंगी? अमी बापजी, अमी काशी चले जाई डोंगर बाबर का छे, वैसे डोंगर बाबा का दर्शन भी हो जाएगी। ठीक है काकी मां, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन बेटा, कोई अच्छा खबर हो तो मुझे जरूर खबर करना। कोनो भालो खबर होले आमाके निश्चय खबर करो। जी काकी मां, जरूर बताऊंगा। काकी मां, मैं आपका काशी जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। ठीक।
ठीक है जी। डोंगर बाबा আমি আপনার কাছে আসছি। হ্যাঁ আমি আপনার কাছে আসছি। হেম তো তুমি বহুত চাহতি হ্যাঁ না? আর আনন্দ বাবু ভি এই চাহতে হ্যাঁ কি হেম কি শাদি তোমারে সাথ হো জায়ে। ইয়ার ইয়াহি তো মুশকিল না পড়ি হ্যায়। লেকিন তুই ইয়ে বিলকুল মত সমঝনা কি মে উনহে ধোকা দে রহা হুঁ। रमेश मैंने तुम्हारे लिए मकान ढूंढ लिया है और यहां से बहुत ही करीब है चाय और मकान मालकिन अभी चाबी लेकर आती होगी। परिण मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं ना। कैसी बात करते हो रमेश? तुम मेरे दोस्त हो और जिन हालात से तुम गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं। यार परिण देखते ही देखते सब खत्म हो गया। हर बार के बारे में सोचता हूं तो एक सपना सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है यार। यार रमेश तू चिंता मत कर, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बारिंदा आइए आइए मिस्टर जी बैठिए। ये मेरे दोस्त रमेश जिनके लिए मैंने आपका मकान लिया है। अच्छा शादीशुदा हो ना? जी जी समझ गई, यही है ना आपकी पत्नी? क्या नाम है आपका? जी कमला। अरे बाबा नाम भी खूब सुंदर। मैं तो आपको देख के ही समझ गई थी कि हमारी खूब निभेगी। पता है बारिंदा मुझे ना किराएदार ऐसे ही लोग चाहिए थे। इससे पहले जो किराएदार आए थे ना अरे बाबा परेशान करके रख दिया था। सुबह चाय पत्ती मांगने आ जाते थे, दोपहर में नमक और रात को माछी। पर कभी ये तक नहीं पूछा कि मिष्टी आओ जरा मोची बन चक्के देखो कैसे बने हैं। मेरा नाम भी मिष्टी है, भगाया उन लोगों को। पता है मेरे पति में तो उतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी से जाके कुछ कहे। वो तो माछ की खुशबू से ही खुश हो जाते हैं। पर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना हूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने उनको माछ भात बना के ही नहीं दिया। कहा माछ की खुशबू से ही खुश हो जाओ। सही किया ना मैंने? हाँ। मेरे पति ना बहुत डरते हैं मुझसे, पर हाँ प्रेम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं घर का सामान वगैरह लेकर आता। अरे अरे आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैंने चाय पत्ती और नमक का ताना आप लोगों को मारा है। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घर का सामान है लाना तो होगा। अरे बाबा पति हो तो ऐसा, घर गृहस्थी की कितनी चिंता है इन्हें। और एक मेरे पति है जो चाय पीकर चाय का कप भी कभी उठा कर नहीं रखते। आपको पता है अब रोज सुबह उठकर मुझे चाय पिला दिया तो उसने कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर हैं? आप, कमला आपको कुछ बाजार से चाहिए? जी कुछ नहीं। सुनो पति अगर कुछ लाने के लिए कहे ना तो उसे एक बार में मना नहीं करती। अब मेरे साथ रहोगी तो धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हाँ बारिंदा मेरे लिए कुछ मत लाना। हाँ मेरे घर में सब सामान है। ठीक है ठीक है। कमला तुम्हें माछपत पसंद है? हैं आना कभी मेरे घर, हम साथ मिलके खाना खाएंगे हैं। आओ तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा मकान दिखाती हूँ हैं। आ जाओ। ये सब क्या है, ये शादी ये पत्नी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बारे यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तक तो मैंने तुझे बताया नहीं कि मुझ पे क्या गुजरी थी। लेकिन हेम से कैसे कहोगे तुम? हेम तो तुम्हें बहुत चाहती है ना, और आनंदो बाबू भी यही चाहते हैं कि हेम की शादी तुम्हारे साथ हो। यार यही तो मुश्किल ना पड़ी है। लेकिन तू ये बिल्कुल मत समझना कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं। बस ये मान ले कि मेरे हालात ने मेरा साथ ही नहीं दिया यार। वो सब तो ठीक है मगर यार तू मुझ पे एहसान करेगा क्या? ये किसी को ये पता ना चले कि मैं कोलकाता में। रमेश
आपका, आप हमारे साथ आकर क्या करेंगे? कमाल है, रमेश को तलाशेंगे और क्या। अरे काका, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं हूँ ना बोर्डी के साथ, सब संभाल लूंगा। ए, एका चोल में ना, जब मैंने कह दिया मैं चलूंगा तो बस चलूंगा। काका आप क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं रमेश को तलाश करने में हमें कहां कहां भटकना पड़े। अरे तुम, मैं भी भटकूंगा। हाँ, तुम्हें झाल मुड़ी लाके दूंगा, पानी लाके दूंगा, तुम लोगों की देख रेख करूंगा। अरे भाई, तुम लोगों की देख रेख करने के लिए एक घर का बड़ा बुजुर्ग होना भी तो चाहिए ना, वो मैं हूँ ना।